देखो ट्रू फॉल्स में चीज सही कर लीजिए, डिस्प्ले आइकन इज इन द कंट्रोल पैनल, सही होगा गलत होगा ये सर? सही होगा, ट्रू। क्यों क्यों? चलो बताओ सर, क्योंकि ये डिस्प्ले बताओ 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 सर, ये कंट्रोल पैनल का है। और कौन बताएगा सर? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा बेटा? जो जो भी आंसर कर रहा है ट्रू, वो भी अपना आंसर जो भी है ना वो वेरीफाई करे, और जो यस कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, ट्रू कह रहा है, बताओ ना क्यों ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे डिस्प्ले आइकन सेटिंग की नहीं बात हो रही है, अगर डिस्प्ले आइकन सेटिंग की बात होती तो वो कंट्रोल पैनल में होता और ये ट्रू होता। जो डिस्प्ले आइकन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? आपके डेस्कटॉप पे होते हैं ना? यस। तब क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? थोड़ा कोई बता देता इधर उधर कहानी, तो भरोसा नहीं अपने ऊपर? देखो एक वर्कशीट यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा वर्कशीट दिया हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना है तो उसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि उन स्टेप्स को हम लोग को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे जल्दी से बताओ? मिलाकर। हाँ तो मिलाओ ना सर। कैसे मिलाए ये बताना पड़ेगा क्या? कौन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और स्टार्ट बटन पे जाना है, इजी ऑफ एक्सेस पे जाना है, एसेसरीज पे जाना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे जाना है, ये तो दो दो बार दे दिए, और ऑल प्रोग्राम पे जाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहला नंबर ये होगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ये आपका वन है, इसको लिखिए फटाफट से। तो सर ये आंसर है? हाँ इसमें क्या करना है समझे ही नहीं तुम इसका मतलब, बाकी लोग हाँ सर समझ नहीं पाए। यस सर। देखो बेटा इसमें आपको स्टेप्स दिया हुआ है कि आप कैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करते हैं, उन स्टेप्स को ऊपर नीचे दे दिया है, ठीक है? अगर मैं कह दूं कि आपको एक गिलास पानी पीना है, तो एक गिलास पानी पीने के लिए आप क्या करेंगे? पहले ग्लास लेंगे, फिर फ्रिज खोलेंगे, उसमें से बोतल निकालेंगे, फिर उस बोतल का पानी आप ग्लास में पलटेंगे, फिर पी लेंगे, ऐसा ही तो करते हैं ना? हाँ। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए चार पांच स्टेप्स में हमने कह दिया कि ग्लास में पानी भरना है, ग्लास से पानी पीना है, फ्रिज से बोतल निकालना है, फ्रिज ओपन करना है, तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर नीचे करके सारे स्टेप्स आपके दे दिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के। अब उनको हम लोग एक सीरियल में लगाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको? पहले नंबर पे हो जाएगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, इसको वन कर देंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा देखो कौन बताता है, कहाँ गया वो, क्या नाम उसका, आदित्य? टू नंबर पे क्या हो जाएगा, उसके बाद हमको जाना पड़ता है ऑल प्रोग्राम पे, तो ये हो जाएगा आपकी टू, जल्दी से करिए टू नंबर सर, क्लिक ऑन प्रोग्राम, टू नंबर पे हो जाएगा क्लिक ऑन प्रोग्राम, थ्री नंबर पे करिए क्लिक ऑन एक्सेसरी, हो गया, और सर थ्री नंबर पर क्लिक, फोर्थ नंबर पे कर दीजिएगा क्लिक ऑन इजी ऑफ एक्सेस, ये हो जाएगा फोर, यस सर, और फाइव नंबर पे आपका हो जाएगा ये वाला क्लिक ऑन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दो बार दे दिया है, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर फाइव, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला ऑप्शन आप लोग काट दीजिए, या तो फाइव वाला काट दीजिए या तो आप पहला वाला काट दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है ना, तो कोई एक ही होगा, तो ये पांच स्टेप आपके होगा, पहले नंबर पे पहला स्टार्ट, दूसरा आपका ऑल प्रोग्राम, फिर इजी ऑफ एक्सेस, फिर एक्सेसरीज, फिर इजी ऑफ एक्सेस, फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। बोलो क्या पूछ रहे थे सर? कुछ नहीं सर, सही हो गया। सही हो गया। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीड विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट, कह रहे जी यू आई प्रोनाउंस लाइक, किसकी तरह बोलते थे इसको? गुई मन है ना, कहाँ लिखा हुआ है गुई, सर्च कर लेंगे ना इसमें से उसको, सर जी यू आई सर्च देखना है, हाँ जी ओ ओ ई वाई गुई, सर गो दिख रहा, जी ओ आई नहीं दिख रहा,
देखो यहाँ पे अपनी बुक में सही कर लो, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। तो रुक जाओ, रुक जाओ, सही है ये, कहीं और दिया होगा, सर्च कर लेना, ठीक है। गुई, जी ओ ओ ई वाई, इसका जो पहले वाले का आंसर आएगा वो आएगा जी ओ ओ ई वाई, लिख लो आगे और उसको अपने बॉक्स में फिल कर लेना, ठीक है। और एक सर क्या आंसर होगा बता दीजिए। जी डबल ओ ई वाई, जी डबल ओ ई वाई, हाँ। और सर सेकंड का, हो गया, हाँ सर। वाले का क्या होगा, कह रहे हैं कि डायरेक्टली अगर किसी एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं भाई, भूल गए क्या तुम लोग, रन, रन ढूंढना है, आर यू एन, कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द, कहाँ पे दिखता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जब आप ओपन करते हैं तो कहाँ दिखता है वो बेटा, डेस्कटॉप पे दिखता है, याद है। और एन इमेज यूज एज अ बैकग्राउंड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज, जो बैकग्राउंड पे दिखती है उसको क्या बोलते हैं, ये लो सर स्क्रीन, हेलो, हाँ सर इसका फोर वाला का क्या होगा, इसका फोर वाले का, फोर्थ वाले का भी आप डेस्कटॉप लिख लीजिएगा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, यस सर, सर लिखेंगे क्या डेस्कटॉप लिख दे, नहीं बाबू क्यों डेस्कटॉप लिख लोगे, तो सर क्या लिखे, बैकग्राउंड इमेज, जी हाँ, स्क्रीन, हो गया सर, हो गए, ठीक है, चलो तो ये आपसे हो गई, अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो हम मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ओके सर, सर हाँ बोलो सर, आपने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है, फर्स्ट चैप्टर भी करा दिया है, यस सर, नहीं हुआ है क्या आप लोग का, सर मेरा नहीं हुआ है, सर मेरा भी नहीं हुआ, क्या कहाँ रहते हैं आप लोग बताइए, क्यों इतना लेट कर देते हैं बताइए, अब एग्जाम होने वाला है तो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की याद आ रही है, ऐसे काम होता है बेटा, चलो हम कब है आप लोगों का कंप्यूटर का एग्जाम, 4 हमसे आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है सर, 9 को, हाँ 9 को है ना, ठीक है सर, चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है, परेशान एकदम मत होइए, उसका सॉल्व करके पीडीएफ भेजना रहेगा ना सर, किस पे, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, किसी एक कोई एक लोग हमसे ले लेना, फिर एक दूसरे को भेज लेना, जिसको नहीं मिलेगा वो हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक, यस सर, चलो बाय बेटा, और कुछ पूछना है क्या, बाय सर, नो सर, ठीक है, ठीक है, हमको पूछ वो पीडीएफ के लिए रिमाइंड कर दीजिएगा, हम चलो।